जी, क्लास फर्स्ट ईयर, ICS 8.2, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट बाय बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, फिर बायनोमियल थ्योरम आया, तो ये चार क्वेश्चन हैं, मैं बस एक ही करूँगा, बकाया आप खुद ही कर लेंगे, आसान से हैं अगर आपको फार्मूला याद हो गया। तो ये लिखा हुआ है 0.97 की पावर 3। तो बायनोमियल थ्योरम से करना है तो बाई का मतलब दो, तो यहाँ दो वैल्यू होनी चाहिए, तो ये तो 0.97 एक वैल्यू है, तो इसके हम दो बनाएंगे। तो हमने देखना है कि ये 0.97 किस वैल्यू के करीब तीन है, तो ये 1 के करीब तीन है, तो इसको आप 1 में से 1 माइनस 0.97 करें, तो बाकी बचेगा 0.03। तो मैंने 0.97 को कर दिया 1 माइनस 0.03, 1 में से 0.03 माइनस करेंगे, बाकी यही बचेगा। तो ये अभी एक से दो वैल्यू होगी, ए बराबर आ गया 1 के, बी बराबर आ गया माइनस 0.03 के, और एन बराबर आ गया पावर 3 के। फार्मूला आपको याद है, ए प्लस बी। तो मैंने कहा था जितनी पावर हो उससे एक वैल्यू ज़्यादा लिख लेनी है, तीन पावर है चार लिख लेनी है, ए 1, 2, 3 और 4। तो आगे आपने क्या लिखना है, एन 0, एन 1, एन 2, एन 3। यहाँ पर क्या लिखना है, एन एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3। यहाँ पे क्या लिखना है, 0, 1, 2 और 3। तो ये फार्मूला बन गया, आप इस फार्मूले को देखते गए, वैल्यूज पुट करते गए, तो एन की जगह पे हमने पुट करना है 3, नीचे 0 आ गया, ए एन के यहाँ पे 3, सॉरी ए नहीं लिखना, ए के यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, 1 की पावर आ गई एन, एन क्या है 3, बी बी की वैल्यू क्या है 0.03 पावर 0, प्लस सी एन के यहाँ पे 3 आ गया नीचे 1, ए ए की जगह पे बेटा आ गया हमारे पास 1, और एन 3 है 3 माइनस 1, बी बी क्या है माइनस 0.03 और ऊपर पावर है 1, प्लस सी सी आ गया एन की पावर 3 ओवर 2 ए, सॉरी ए फिर लिख दिया, 1 लिखना है 1। ठीक, उसके बाद है एन की जगह पे आ गया बेटा 3 माइनस 2, बी की वैल्यू माइनस 0.03। ठीक है, पावर आ गई 2, प्लस सी आ गया एन के यहाँ पे आ गया 3, नीचे भी 3, ए ए के यहाँ पे आ गया 1, एन के यहाँ पे आ गया 3 माइनस 3, बी की जगह पे फिर आ गया माइनस 0.03 और b की पावर 3 है, तो यहाँ भी 3 आ गया। नहीं बेटा, अब आगे कैलकुलेटर से करें, 3c0 1 आ गया। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, जिसकी पावर 0 हो वो भी 1 होता है, प्लस आगे है बेटा 3c1, तो 3 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, 3 माइनस 1 2, 1 की पावर 2 1 ही होता है, माइनस 0.0003 की पावर 1, 1 की पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस था तो माइनस प्लस इसको कर देते हैं माइनस, तो 1 पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाकी रह जाएगा 0.03। ठीक है, आगे 3c2, ओके फिर 3 आ गया, इसके यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, 3 माइनस 2 1, 1 की पावर 1 1 नहीं होता है, स्क्वेयर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो 0.03 का स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास पावर में आ गया है, तो इसको पावर ख़त्म होने का तरीका आपको मैंने बताया हुआ है, shift ENG, पावर ख़त्म होगी तो ये हमारे पास आ गया 0.0009। ठीक है बेटा, अब ये आ गया, ये इसका 1 आ जाएगा, इसका कम्बिनेशन 3 माइनस 3 0, 1 की पावर 0 1 ही होगा, 3 है माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि पावर ऑड नंबर में, तो 0.03 का क्यूब, 0.03 का क्यूब का वैल्यू किधर है, ये आ गया, फिर पावर आ गई shift ENG। तो ये हमारे पास आ गया 0.00002 7,
ओके अब बस मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाएगा। वन को वन वन से मल्टीप्लाई करें, वन थ्री वन दा थ्री, थ्री को 0.03 से मल्टीप्लाई करें, थ्री मल्टीप्लाई बाय 0.03 0.09 इसका आंसर आ गया 0.09। ये मल्टीप्लाई कर दें, थ्री वन दा थ्री आगे 0.0009, तो फिर पावर आगे शिफ्ट ENG शिफ्ट ENG तो आ गया 0.0027। माइनस आ गया 1 1 7, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा 0.00027। लो जी अब इनको प्लस माइनस करते हैं, 1 -0.09 प्लस 0.0027 माइनस 0.00027, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.912673। ले बेटा इस तरह जो है बाकी क्वेश्चन करने हैं, देख लेना कौन सा नंबर प्लस होता है कौन सा माइनस होता है, उसके दो नंबर जो नंबर करीब तरीन होगा उसी में से प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दो नंबर बना के इसी तरह ही आप सॉल्व करेंगे।